हे गाइस, मैं गहना वशिष्ठ और आप सबका स्वागत है द गहना शो में। और आज हमारी गेस्ट हैं शाइना खत्री। हाय शाइना, आपका दिल से स्वागत है। थैंक यू सो मच। अच्छा शाइना, हमारे शो का रूल है दैट यू हैव टू बी वेरी रॉ, वेरी ऑनेस्ट। आप कोई फिल्टर यूज नहीं कर सकती और जो भी आप बोलेंगे आप सब कुछ सच बोलेंगे। आप रेडी हैं? ऑफ कोर्स के थ्रू थोड़ा डेयर चल रहा है क्या? हाँ, ऐसे कुछ ओके तो शायद ना मुझे एक बात बताओ, जितना मैं जानती हूँ आप नॉन फिल्मी बैकग्राउंड से हैं, राइट? सो जब आपने डिसाइड किया कि आपको फिल्म इंडस्ट्री में आना है, तो आपके पेरेंट्स का, आपके रिश्तेदारों का, आपके सोसाइटी का क्या रिएक्शन था, और वहां से यहाँ तक की आपकी जर्नी कैसी रही? फर्स्ट ऑफ ऑल फैमिली का तो बहुत ही बुरा रिएक्शन था, उसके बारे में ना ही पूछो तो अच्छा है। बिकॉज आप लोग शायद जानते ही हैं, मैं हरियाणा से हूँ, हरियाणा अम्बाला से। तो हमारे यहाँ क्या है कि लड़कियों को ज़्यादा एक्टिंग में नहीं, ज़्यादा कबड्डी, मतलब ये कि उनका कबड्डी वगैरह में या किसी उनको अच्छा लगता है कि वो गेम्स वगैरह में ज़्यादा जाएं। ठीक है, उन्हें बिल्कुल भी पसंद नहीं है कि कोई भी हमारी बेटी या लड़का, लड़की या कोई भी लड़का भी, कोई भी इंडस्ट्री में जाए, क्योंकि उन्हें लगता है कि उनके हिसाब से बहुत गलत है। लाइक कि हाथ पकड़ना भी उन्हें पसंद नहीं है कि कोई किसी लड़के या लड़की का हाथ पकड़े। तो नॉर्मल सी बात है, मैं तो फिर भी बोल्ड में हूँ, आप डिसाइड कर ही सकते हैं। तो फैमिली तो मैं पीछे छोड़ के आ चुकी हूँ, फैमिली तो मेरे पास है ही नहीं बिल्कुल भी। और जर्नी लगा लो कि अगर मैंने स्टार्टिंग तो मैंने भी क्लीन से ही की थी, मैं चाहती थी मुझे क्लीन प्रोजेक्ट मिले, बट आप अच्छी तरह जानते हैं कि क्लीन के लिए यहाँ पे क्या होता है। क्लीन के लिए या तो अच्छा पैसा होना चाहिए, या आपके फैमिली जो बैकग्राउंड है उनका फिल्म इंडस्ट्री से थोड़ा कॉम्बिनेशन होना चाहिए, या फिर आप रंग रूप में अच्छे होने चाहिए। तो मेरे पास इन तीनों में से कुछ भी नहीं था अरे नहीं, ये बहुत अरे खूबसूरत है शायना। नहीं दोस्तों आप एपिसोड देख रहे हैं, खुद डिसाइड कर सकते हैं शायना बहुत खूबसूरत हो। प्लीज ऐसा तो मत बोलो यार, अच्छा, यू आर वेरी प्रिटी। ये तो आप लोग मानते हैं ना, ये तो आप लोग मानते हैं, जहाँ बड़ी बड़ी एक्ट्रेसेस को बोल देते हैं कि हाँ ब्राउन दिख रही है, काली दिख रही है, ऐसी गोरी है, मोटी है, कोई भी कुछ भी बोलता है। पर देखो, मैं नहीं मानती, मैं अपने आप को बहुत खूबसूरत मानती हूँ, मैं नहीं यस मानती कोई मेरे से सुंदर होगा अभी इस इंडस्ट्री में। और बाकी सब ठीक है, अभी तक तो सब ठीक चल रहा है। और कितने साल हो गए आपको इस इंडस्ट्री में? अभी मुझे कुछ साल नहीं हुए, आप 6 महीने बोल सकते हैं। 6 महीने से जी हो, जी कमाल है यार। तो दोस्तों, मैं शाइना के बारे में एक बात बोलना चाहूंगी। मैं रिसेंटली मैं जयपुर में शूट कर रही थी, वहां पे हमारे डायरेक्टर सर थे SS के। तो SS के बहुत मैंने, अच्छे डायरेक्टर बहुत अच्छे डायरेक्टर हैं, तो हैं। मैंने उनसे ऐसे पूछा कि आपके फेवरेट दो आर्टिस्ट बताओ जो बहुत अच्छा काम कर रही हैं। तो उन्होंने पहला नाम शाइना का लिया, थैंक यू सो मच और SS के ही सर सो गुड यार, एंड सेकेंड नाम उन्होंने भारती झा का लिया। तो मैं भारती को भी बहुत जल्दी लाने वाली हूँ। अच्छा शायना, मुझे एक बात बताओ, जैसे आप 6 महीने में तो यार आपने कमाल कर दिया यार। कहाँ कमाल, बस देखते हैं, वही बात है, क्लीन वर्क में जाना चाहती थी लेकिन बोल्ड में अच्छा चला गया, पता नहीं कैसे गया, हाँ, मैं भी नहीं जानती। बट यू रियली डूइंग वेल। अच्छा मुझे एक बात बताओ, जैसे मैं तो सिर्फ 6 महीने हुए हैं, तो यहाँ पे रहने का जो स्ट्रगल है, यहाँ पे जब आप रेंट के लिए प्रॉपर्टी देख रहे होंगे तो पहले पूछते हैं ना कि अगर आप मॉडल हो तो आपको फ्लैट नहीं मिलेगा। फिर कई बार ऐसा होता होगा कि लोग पूछते होंगे कि फैमिली आएगी कि नहीं। फिर यहाँ पे रेंटल बहुत कॉस्टली अरे है। बहुत प्रॉब्लम हुई थी, बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हुई थी एक्चुअली। अगर हम यहाँ पे होटल भी लेने जाएं, अगर रूम भी लें, पहले मैं शूट के लिए नॉर्मली यहाँ आती थी, मैं प्राइम प्ले के फर्स्ट पहरेदार, आपको, आप जानते भी, पहरेदार से हिट हुई हूँ मैं, प्राइम प्ले के लिए शूट करने के लिए आई थी। तो एक्चुअली क्या हुआ था, मुझे सिर्फ रूम लेना था, होटल में रूम लेने के लिए भी मेरी ID लगी, लेकिन कहते हैं कि हम सिंगल लड़की को नहीं रख सकते। अब उसमें प्रॉब्लम आ गई, हाँ सिंगल लड़की 3000, चलो कोई बात नहीं, मायने रखता। उस टाइम तो हम स्ट्रगल कर रहे थे, उस टाइम मायने रखता था मेरे लिए 3000, ओके। करेक्ट, और खाना पीना तो बहुत ही मुश्किल, सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल रूम ही नहीं मिला, मुश्किल से मेरे को यहाँ फैमिली के घर में रहना पड़ा, किसी बहुत ही मुश्किल से रही, कोई बात नहीं, एडजस्ट किया। मुझे ये नहीं था कि मतलब कि फैमिली के साथ रह रही हूँ, प्रॉब्लम मुझे ये थी कि उनकी पर्सनल चॉइस, अच्छा नहीं लगता ना हाँ किसी के साथ रहना, करेक्ट, रूम मिला नहीं। उसके बाद खाना पीना, एक्चुअली हम हरियाणा से हैं तो नॉर्मल है, सब्जियां बहुत अच्छी हैं वहाँ, रोटी सब्जी सब कुछ है, यहाँ मैं बड़ा हुआ इडली डोसा, माय गॉड, सच में आई स्वेयर, आज तक मुझे इडली डोसा वड़ा पाव बिल्कुल पसंद नहीं है। वड़ा पाव का फर्स्ट बाइट में अपना खाने का ही बताती हूँ, मैंने फर्स्ट टाइम जब वड़ा पाव खाया वो ऐसा लगा कि यहाँ पे अटक गया अंदर ही नहीं जा रहा, आई थिंक अंदर जा, पानी तो पिया, कुछ तो मिले, नहीं लोग उसे ऐसे ही खा रहे हैं ऊपर से, यहाँ मतलब कुछ भी खाने के लिए दे रहे हैं, तीखी मिर्ची, यहाँ चार चार मिर्ची दे देते हैं साथ में, अबे ये तो पहले जा नहीं रहा अंदर और तुम मिर्ची और दे रहे हो हमें।
चलो खाने का बड़ा गंदा एक्सपीरियंस रहा। चलो अब हम ये है कि मैं यहाँ पे फ्लैट में अच्छा शिफ्ट हो चुकी हूँ, फ्लैट बड़ी मुश्किल से मिला हम मुझे यहाँ पे। चलो मेरी दोस्त मतलब सिस्टर रहती है मेरे साथ में, उसके साथ फ्लैट मिल गया। उसके बाद खाना पीना हम घर में ही बनाने लगे, मेरी सिस्टर अच्छे कुकिंग कर लेती है। बस अभी खाना पीना भी अच्छा चल रहा है, फ्लैट भी मिल गया है, पर बस अभी स्ट्रगल चल रहा है बस कि हाँ कोई अच्छा प्रोजेक्ट मिल जाए। करेक्ट। तो मुझे एक बात बताओ, जैसे अभी आपको 6 मंथ्स हुआ है, लोगों को समझ में तो आ जाता है कि बंदी नई है, तो यहाँ पे जब कोई भी ना लड़कियां नई आती हैं, तो कास्टिंग काउच वाले, कोऑर्डिनेटर्स, उल्लू बनाने के लिए आदमी को किसी भी तरीके से ना अपने हाथ में लेने के चक्कर में, राइट आटे में राइट लेने राइट के चक्कर में रहते हैं, तो बहुत ऐसा आपका क्या एक्सपीरियंस रहा? मेरा एक्सपीरियंस ये रहा, पहले एक्चुअली मैं यहाँ नहीं थी तो मुझे मॉल्ड इंडस्ट्री के बारे में बिल्कुल जानकारी नहीं थी। तो कोई भी अगर मुझे कहता था ना, मैं ये सोचती थी कि मैं ज्यादा से ज्यादा काम कर लूँ। पर मुझे ये भी था कि मेरे को पैसे भी कमाने, नॉर्मल सी बात है, पैसे कमाने आए थे इतनी दूर, कहाँ हरियाणा कहाँ मुंबई। तो ऐसा हुआ कि शुरू शुरू में जितने भी कास्टिंग डायरेक्टर थे वो मेरी प्रोफाइल जमा करने लगे हर जगह, मैं 20 में दिला रहा हूँ, 15 में, 25 में। पर एक्चुअली ऐसा था, मेरा कोई लिमिटेशन है, मैं बिकनी तक ही करती हूँ, मैं बिकनी से ज्यादा बोल्ड नहीं करती हूँ। तो वो क्या कहते थे कि ठीक है, मैं कर रही हूँ ये, इन्फॉर्मेशन शेयर नहीं करनी चाहिए नहीं, थी। आप ठीक कर सकते हो। है, उन्होंने बोलना शुरू किया कि चलो ठीक है, तुम पर्सनल तो कर सकती हो। मतलब ओ यार ऐसा नहीं है कि बॉल्ड इंडस्ट्री में नहीं है ये चीजें, बहुत है, बट मैं नहीं करती, ना ही मुझे पसंद है। देखो अगर करना ही तो क्लीन में जाके करूंगी ना, अगर पर्सनल मीटिंग ही करनी थी मुझे, क्लीन में जाके अच्छा काम पा लेती। पर नहीं, हाँ कास्टिंग डायरेक्टर्स भी ऐसे ही हैं, कुछ फ्रॉड भी हैं, बोलते हैं कि पहले पैसे जमा करवाओ, हाँ 5,000 रुपए तब आपको काम मिलेगा। और चलो ये तो चलो उनका भी पेट भरने के लिए उन्हें पैसे चाहिए होते हैं। कुछ लोग मुझसे 30-30, 15 हज़ार में अगर पर डे दिलवा रहे हैं, 20,000 पर डे दिलवा रहे हैं, उसमें उन्हें या तो 20% चाहिए था या 25% चाहिए था। हाँ चलो इट्स ओके, वो काम कर रहे हैं। पर मैं ये सच में बोलना चाहूंगी कास्टिंग डायरेक्टर के बारे में कि यार मानते हैं कि आप हमें काम दिला रहे हैं, पर जायज लो यार, अगर 20% आप काट लोगे तो हमारे पास क्या ही बचेगा, है ना। और करेक्ट। नॉर्मल सी बात है, अगर हम कहें कि 100% काम हम करते हैं, 20% आके आप करो सेट पे, तो कितना बुरा लगेगा। क्योंकि सेट पे जो स्ट्रगल होता है ना वो हमें सहना पड़ता है, हमें फेस आउट करना पड़ता है। 8 बजे कभी भी कॉल टाइम दे देते हैं, 6, 6:30, 8 बजे का सुबह, इतनी जल्दी जल्दी, ऊपर से रात को 11 या 12 बजे तक हमसे काम करवाते हैं, वो चीज आप नहीं फेस कर रहे। तो प्लीज मैं कहूंगी थोड़ी थोड़ी सी सी ऐसे ट्वेंटी लिटिल को एक 10% ले बिट लो। 10, चलो 15 ले लो तुम, पर इतना ज्यादा ना करो यार। नहीं तो मैं कई कई कैस्टिंग डायरेक्टर्स को ऐसा बोलती थी हाँ, कि ठीक है तुम 25% ले लो, सेट पे आके 25% काम भी तुम कर दो। करके खड़े अरे रहो, खड़े रहो जब तक हम सेट पर ना के वही खड़े तो, रहो। हमें प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है सारी चीजों की। हाँ मतलब एटलीस्ट हमें पता है, देखो सेट पे खाना आप समझ सकते हैं, जो आर्टिस्ट हैं वो अच्छी तरह समझ सकते हैं कि सेट पे खाना क्या मिलता है। और प्रोडक्शन से हम नॉर्मली क्या मिल सकते हैं, कुछ प्रोडक्शन होते हैं जो अच्छी होती हैं, हाँ जिन्हें हम कह देते हैं पर्सनली सर हम ये नहीं खाते। कुछ तो ऐसे हैं कि जो आया वही खाना पड़ेगा, अब चाहे वो सूखी रोटी आई हो, चाहे वेजिटेबल्स आई हो, कुछ भी आया हो। अब खाना सेट वाला मोटा कर दिया, मैं देख लो अच्छी खासी मोटी हो गई हूँ। थैंक यू सो मच नहीं सेट वालों, प्रोडक्शन वालों, तुमने मेरी सेहत का ख्याल रखा। नहीं, बट आप बहुत हॉट लगते हो, पता है। मुझे ऐसा लगता है लड़कियों को थोड़ा बहुत भरा पूरा होना चाहिए। सॉरी दोस्तों, मैं मोटी नहीं हो पाती हूँ, बट आप बहुत परफेक्ट दिखते हो शायना, यू लुक वाओ। चलो अच्छा आपको मुझे, लग रहा नहीं सच्ची बता रही हूँ मैं, है। अच्छा शायद मुझे एक और चीज बताओ। जैसे बहुत सारे सेटों में मैंने सुना है कि सेम डे पेमेंट पहले कमिट करते हैं कि जैसे पैकअप होगा हम आपको पेमेंट कर देंगे, फिर जैसे पैकअप होता फिर कहते हैं यार अकाउंट नहीं चल रहा, इंटरनेट नहीं हाँ चल रहा, ये भी बहुत लिमिट हुआ है मेरे खत्म साथ, हो गई बहुत है। ज्यादा हुआ है, बहुत ज्यादा हुआ है। अब कई सेट तो मेरे को लेट पेमेंट भी कर देते थे ना कई प्रोडक्शन वाले, मुझे अच्छा लगता था, कोई बात नहीं, क्योंकि अच्छी बॉन्डिंग हुई थी। हाँ जैसे नॉर्मल सी फर्स्ट ले ऑफ, फर्स्ट ही कहूंगी SSK सर, हाँ हाँ अच्छी बॉन्डिंग है, मुझे कोई हाँ मतलब नहीं है, मुझे भरोसा है कि सर पेमेंट कर देंगे चाहे हाँ वो 1 महीने बाद करें, हाँ उनसे टेंशन नहीं थी। प्रॉब्लम उनसे थी जो मुझे लटका के रखते थे कि कल शाम तक पेमेंट हो जाएगी, उनकी कल शाम 1 महीने बाद आती थी, तो मुझे लगा कि शायद 1 महीने बाद ही वाली कल शाम थी। तो आप सीधा बोल दो कि 1 महीने बाद वाली कल शाम है, आप एक कल वाली शाम ना बोलो। हाँ चूतिया मत काटो हाँ यार, हाँ जैसे 1 महीने बाद देना 1 महीना बोल के बुलाओ, हाँ 1 हफ्ते बाद देना 1 हफ्ता बोलो, ये मत हाँ बोलो हाँ कल कल हाँ कल हाँ कल कल। मैं आप कुछ, कल मत बोलो हाँ बस, मैंने कुछ लोगों को क्या है कि देखा है। आप क्लियर कोई भी डेट दे दो। मैं आपको सच में कह रही हूँ कि आप कोई भी एक क्लियर डेट दे सकते हैं जिससे आर्टिस्ट खुश रहे कि हाँ इस डे हमारी पेमेंट आ जाएगी। आप अगर कल शाम नेट नहीं चल रहा, सर्वे डाउन हो गया,
पेमेंट रिजेक्ट हो गया, लिमिटेशन खत्म हो गई, बहुत सारे बहाने मत मतलब मत मारा करो, इससे बढ़िया एक डेट दे दो, उस डे आपकी पेमेंट करवा दो, बस खत्म। करेक्ट। तो अच्छा मुझे शायद एक बात बताओ, जब जैसे मेकआउट सीन्स जब शूट होते हैं वो कितने ऑथेंटिक होते हैं, वो कितने रियल होते हैं, क्योंकि पब्लिक को तो कुछ भी लगता है। आप मुझे बताइए, जब आप मेकआउट सीन शूट होते हैं वो कितने रियल होते हैं, और वहां पे कितने लोग होते हैं, और आपके कंफर्ट जोन का कितना ख्याल रखा जाता है? मैं ये जरूर बताना चाहूंगी, कई जगह तो कंफर्ट जोन का बिल्कुल भी ध्यान नहीं रखा जाता है, हाँ मैं ट्रूली बोल रही हूँ अपने दिल से। और कई जगह ऐसा होता है कि डायरेक्टर अच्छे हैं, प्रोडक्शन अच्छी है, तो वो बहुत ध्यान रखते हैं। एक्चुअली वो मिनिमम से 2-4 बंदे ही अंदर होते हैं। सबसे पहले तो किसी का मैं नाम नहीं लेना चाहूंगी पहली बात, क्योंकि क्या फायदा मैं ट्रोल हो जाऊं नाम लेके। तो चलेगा। ऐसा है कि कई लोग तो 20-25 बंदे अंदर रखते हैं, वहां स्पोर्ट बॉय भी ऐसे घूम रहे होते हैं और देख रहे हैं, लाना जाता। पर मैं बड़ी ओपनली हूँ, जो मुझे पसंद नहीं है ना मैं डायरेक्टली कह देती हूँ कि हाँ क्या कर रहे हो, निकलो बाहर, नॉर्मल सी बात है, क्योंकि मुझे पसंद नहीं है, ये मेरा करेक्ट। फिगर है, मेरा शरीर है, मेरा हक है, तुमने हाँ पैसे लिए, मुझे खरीदा नहीं है कि हर किसी को दिखाओगे, करेक्ट। बंधुआ राइट? मजदूर नहीं बना लिया हाँ, है। मजदूर नहीं है, या हाँ हम खरीद नहीं लिया तुमने हमें एक दिन के लिए, तो मैं डायरेक्टली बोल देती हूँ। और कहीं तो बड़े अच्छे होते हैं कि नॉर्मल सी एक दो कैमरा मैन होंगे अंदर, एक डायरेक्टर होगा, मुश्किल से एक आधा बंदा और होगा, अदरवाइज कोई नहीं होगा। लेकिन मैं किसी का नाम नहीं लूंगी। कुछ सेट्स पे मैंने ऐसा देखा है कि मैं रो दी हूँ, कुछ सेट्स पे रो दी हूँ कि मैं मतलब कंफर्ट जोन नहीं फील कर रही हूँ, रो दी हूँ, पर बंदों ने ख्याल नहीं रखा। चलो पर बोलना चाहिए शायद ना, आई बिलीव कि पता जहां कहीं भी ना कंफर्ट एक्चुअली जोन। अगर ये चीजें ना किसी लड़के के सामने हो ना तो चलता है, हाँ वो लड़की के सामने रही थी तो मैं कह रही हूँ कि कंफर्ट जोन का ख्याल नहीं रखा गया वहां। मैं मुझे नाम नहीं लेना गूज़बम्स आ गए चाहूंगी। यार सुन गूस बम्स तो आएंगे ही, क्योंकि के। हमें फेस करना पड़ता है। एक्चुअली क्या है, हम ना जिन जिनके सामने ओपन नहीं है, जैसे कि मान लो SS के सर कोई कर रहे हैं, जो पर्सनल हमारे हैं, रैबिट्स के हो गए, प्राइम प्ले के हो गए, ये हंटर ऐप के हो गए, सब एप्स के उल्लू भी जो, किया है ना आपने? हाँ उल्लू भी हाँ किया है, तो वही थोड़ी सी दिक्कत रही है। नाम नहीं लेना चाहती मैं एक्चुअली। तो बाकी मतलब कंफर्ट जोन में रखा है मुझे, बहुत अच्छे कंफर्ट जोन में। बाकी उल्लू वालों ने भी बहुत कंफर्ट जोन में रखा है मुझे, बहुत ज्यादा। तो मतलब मैं नाम नहीं बेकार कर रही यार, तुम ट्रोल हो जाओगे बेफालतू में, मैं भी हो जाऊंगी, तो मुझे सेट से ना नहीं 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 अगला नहीं प्रोजेक्ट ही ना नहीं अब देखो जो कह नहीं रहे हो, अब किसी का नाम तो ले एक्चुअली नहीं रहे नहीं हो नहीं यार, इट्स ऐसा वेरी। नहीं है कि उल्लू वालों से की तरफ से, एक्चुअली होता है ना प्रोडक्शन अलग अलग होती है, करेक्ट। नाम उनका नहीं है, हाँ प्रोडक्शन वालों की कौन सा उनकी जिम्मेवारी है, नहीं? करेक्ट। हाँ, तो बस ऐसा एक ही सेट पे हुआ, एक दो सेट पे हुआ मेरे साथ ऐसा, बाकी सब अच्छे हैं, बहुत अच्छे हैं, सब ध्यान रखते हैं कि एकदम से ही अगर कट हो अपना टावल वावल लेके आ जाते हैं, हाँ बस समझ बाकी सब जगह ध्यान रखते गए हैं, मैं। बहुत अच्छा ध्यान रखते हैं। हाँ और मुझे बताओ, ये जो मेकआउट सीन है जो लोगों को लगता है कि एक्चुअल हो रियल रहे है। हैं, जो हाँ रियल नहीं होते हैं, है हाँ ना, तो पब्लिक को बताइए वो कैसे होते हैं। अरे यार देखो, पहली बात तो अच्छा है कि आप इतने मतलब हमसी पर ऐसा देखते हैं, मुझे अच्छा लगता है, चलो हमें देखो, मजा आता है बहुत। आप मुझे कमेंट भी लिखते हैं यार, बहुत गंदे गंदे कमेंट आते हैं, पर अपना अच्छे लगने लगे हैं वो कमेंट। पहले पहले रो देती थी मन कमेंट्स पे, कोई कहता था तुम ये हो तुम वो हो, अब तो कहती हाँ हूँ, अच्छे हूँ, कहो अब तो कहो। हूँ, अब मुझे अच्छा लगता है तुम मुझे कहते हो ना, कि मैं नाम भी नहीं बोल नहीं पा रही क्योंकि अपशब्द है थोड़े से, तुम ये हो तुम वो हो, मैं हक से हूँ, पर ये है कि ये रियलिटी नहीं होती सीन्स में। करेक्ट। अच्छा मैं पोन की बात कहूँ तो पोन अलग हो गई, हाँ हमारे सीन जो होते हैं वो सिर्फ बोल्ड सीन होते हैं, बोल्ड करेक्ट सीन ये हमारे लिए सिर्फ एक्ट है, करेक्ट। ये एरोटिक है, एरोटिक पॉर्न है, नहीं एक्ट है। है, हाँ और अगर तुम्हें लगता है पोन है तो लगी जाए, तुम स्वाद लो, हमें मजा आएगा। क्योंकि सजेस्टिव सीन होते हैं, अब यार तुम खुद सोच के देखो, अगर ये ऐसे रियलिटी वाले होते तो हमें कितनी बीमारियां हो चुकी होती अब तक। इतनी बीमारियां मतलब हर एक, मतलब अब मैंने कितने सारे काम सीरीज कर ली है, तो कितने सारों के साथ लिप किसिंग हो गई है, कितने सारों के साथ हम्पिंग डंपिंग वाले सीन्स हो चुके हैं, कितना सीन्स हो चुके हैं बोल्ड सीन। अब एक और ये भी नहीं है कि वो लड़कों को भी कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि उनका रोज का काम है, हाँ इतना सा भी फर्क नहीं पड़ता उन्हें, कोई फर्क नहीं पड़ता, बस ये बेचारे एक्ट करने हैं, और एक्ट हमारे फेस एक्सप्रेशन से खेला जाता है, बाकी कोई हाँ मतलब नहीं है कि कोई रियलिटी में कुछ हो रहा है, ऐसा कुछ नहीं होता तो मुझे एक बात बताओ शायद ना, जैसे जब आप मेकआउट सीन शूट कर रहे होते हैं, है। कभी ऐसा हुआ है कि किसी को लेकर के इमोशंस आ गए हो, कभी कोई लड़का सच में पसंद आ गया हो, ऐसा लगा हो कि यार मुझे इसे बैठ के बात करनी चाहिए, शायद हाँ इसमें कुछ तो बात है? एक्चुअली हुआ था, ओके मेरी
फर्स्ट सेकंड वेब सीरीज थी, तो फर्स्ट वाली तो मेरी रिलीज ही नहीं हुई तक, क्योंकि वो ऐसी कुछ बनी थी, चंडीगढ़ में शूट हुआ था, तो ठीक है, चंडीगढ़ में इतना मतलब पता ही नहीं है लोगों को कहाँ करना है क्या करना है, कुछ नहीं पता। मेरी दूसरी वेब सीरीज शूट हुई थी, लड़का जो था, मैं नाम नहीं नाम लूंगी ले लड़के सकते हो, का लड़कों का नाम ले सकते हो, हमने लड़कों का नाम लेने का फ्रीडम दे रखा है, ले सकते हो, अरे नाम मैं इसलिए नहीं लेना चाहती, वो ट्रोल हो ले लो ले लो जाएगा ले लो, लड़कों का बट नाम हम उसकी वो ले, रिलीज नहीं हुई, वो भी ओके। उसका नाम पठान है अरे नाम क्या नाम है यार, उसके ना सुनने कोई पठान, लॉन्ग नाम है, मुझसे लिया नहीं जाता एक्चुअली, हाँ मुबस्सर पठान कुछ ऐसे है। हाँ तो हाँ बेचारे के साथ मेरी वेब सीरीज थी एक्चुअली, वो कहता कि मैं ना कंफर्ट फील नहीं कर रहा हूँ, उसको ऐसे ही बुला लिया, उसे पता भी नहीं था बेचारे को कि बोल्ड वेब सीरीज शूट हो रही है। ओके अब वो बोलता कि मेरा फर्स्ट है, मैं कैसे करूँ ये वो, मैंने उसे कंफर्ट जोन में लाने के लिए उससे बातचीत शुरू करी। अब उससे बातचीत शुरू करी तो अब नॉर्मल सी बात है, कोई लड़की बातचीत शुरू करे तो उसे ऐसा हो गया कि लाइक करती है। हाँ 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 तो अब मैं तो उसे कंफर्ट जोन में लाने के लिए बात कर रही थी, हाँ धीरे धीरे ऐसा हुआ कि अब शूट हो रहा है, पहले तो वो मुझसे ऐसे ईगो ईगोली बात कर रहा था, फ्रेंडली नहीं था बिल्कुल भी। ओके उसके बाद वो धीरे धीरे फ्रेंडली होना शुरू हुआ, बात करनी शुरू करी, फिर हम अच्छे दोस्त हैं आज, बहुत अच्छे दोस्त हैं, बहुत अच्छे दोस्त लवली। हैं बहुत मतलब ऐसा हो गया कि बेस्ट फ्रेंड्स बन चुके हैं, मतलब ऐसे अच्छा फ्रेंड है वो, मेरा सब कुछ मैनेज भी करता है, लोग उसे मेरे मैनेजर के नाम से ही जानते सो पठान हैं मैं पहली बार शायना को मिली हूँ, वो तुम्हारी पीठ पीछे तारीफ करी, कुछ तो बात होगी तुम्हें। अरे एक्चुअली बस मतलब ऐसा है ना कि वो होता है ना कि मतलब लड़कियों को रिस्पेक्ट देना, हाँ मैं मोमडन्स के बारे में बहुत कुछ सुन चुकी हूँ कि ऐसे ऐसे होते हैं ऐसे होते हैं, लेकिन उस पहला ऐसा मोमडन ने, मतलब मैं किसी मोमडन से मिली भी नहीं, हमारे पहले ही बनाई होती है नेगेटिविटी कि हाँ मोमडन्स ऐसे होते हैं, बचपन से ही जैसे सिखा देते हैं ना बच्चे, ये चीज करंट मारती है, ये चीज ऐसे पानी से भिगो देते हैं, ये चीज आग जलाती है, ये चीजें सिखाई होती है ना, तो ऐसे ही मोमडन के प्रति किया होता है। तो मैं उस इंसान से मिलके पहली बार ये जानी कि नहीं मोमडन बहुत अच्छे होते हैं, हाँ एक्चुअली अच्छे होते हैं। मुस्लिम्स बहुत अच्छे होते हैं। हाँ राइट, हाँ मैं भी इस बात को बिल्कुल एग्री हाँ करूंगी, मेरे बहुत हाँ सारे दोस्त हैं सब हाँ अच्छे मेरे हैं। भी मतलब उसके बाद मतलब मैं किसी से बात भी नहीं करती थी ना एक्चुअली, मुझे हमें बताया बनाया होता है, मेंटेलिटी ऐसी होती है कि हाँ वो ऐसे है, पर हाँ ऐसा नहीं है, वो बहुत अच्छे। हाँ इसमें भी दो पहलू हैं, कुछ बहुत अच्छे भी हैं, कुछ बहुत बुरे भी हैं, बुरे भी हाँ मिले हैं मुझे, अच्छे भी मिले हैं। वो हर जगह होते हैं, हाँ देखो वो तो दुनिया में नॉर्मल हर है, जगह हम तो अच्छे बुरे हर इंसान भी जगह अच्छा। होते हाँ हैं। हाँ हाँ तो मुझे एक चीज ये बताओ कि अभी आप सिंगल हो या रिलेशनशिप में हो? अभी तो हम सिंगल ही हैं, क्योंकि रिलेशनशिप में आने का कोई चांस नहीं है, क्योंकि लाइन ही ऐसी हो गई है कि कोई रिलेशनशिप में नहीं आना चाहता और मेरी मैं तो ये कहूंगी कि अगर हम आए भी ना तो ऐसा होगा कि अगर मान लो हमने बोल्ड शूट कर लिया तो कहेंगे यार तुमने उसने तुझे छुआ, उसने तुझे ऐसे किया, उसने तुझे ऐसे किया, तो ये नॉर्मल है रिलेशनशिप में। तो मैं कहूंगी नहीं, अपना सिंगल रहो, बेस्ट लाइफ है, अपने करियर पे ध्यान दो, जिस लड़के ने तुम्हारी लाइफ में आना होगा वो आ जाएगा, अपने करियर पे फोकस करो। सो शायना, बहुत सारी जो तुम्हारी सीरीज हैं, कुछ उनमें से 5-6 का नाम बताओ जो तुम्हें बहुत पसंद है, तुम्हारी फेवरेट सीरीज, ताकि लोग देख सकें। अच्छा मुझे पहरेदार तो बहुत पसंद है, वो तो आप लोगों ने देखी भी होगी, वो हिट गई है हाँ पहरेदार, मुझे अपनी सीरीज बहुत पसंद है, और छोटी बहू भी, और अभी तक ना उल्लू पे एक सीरीज है बिकाऊ, अभी तक वो आई नहीं है, वो भी मुझे बहुत पसंद है। रैबिट चैनल पे भी देखना आप जाके, जलेबी बाई 4 के नाम से आने वाली है, वो देखना, वो भी मुझे बहुत पसंद है। एस एस के सर के साथ एक मैंने उल्लू मूवी के लिए शूट की थी, मलाई, वो भी अच्छी है, उसमें लीड नहीं लिया सर आपने मुझे, मैं इस बात से खफा हूँ बिकॉज उसमें मोटी लड़की चाहिए थी, मैं मोटी नहीं हूँ तो इट्स ओके, सेकंड लीड थी, पर बहुत मजा आया उसमें, बहुत अच्छी लुक रखी हुई उन्होंने मेरी उसमें। सो जो भी आपके फैंस हैं, जो आपको बहुत पसंद करते हैं, जो आपको दिल से चाहते हैं, और जो लोग इस इंडस्ट्री में आना चाहते हैं, उनके लिए आप क्या मैसेज देना चाहोगे? देखो पहली बात तो जो लोग मुझे पसंद करते हैं उनके लिए हाँ बहुत बहुत शुक्रिया, जो लोग मुझे नहीं भी पसंद करते हैं उनके लिए भी बहुत बहुत शुक्रिया, क्योंकि कुछ तो बात हो गई मुझ में जो तुम मुझे ना पसंद करते हैं वाह अच्छा और दूसरी कि अगर आप इस इंडस्ट्री में आना चाहते हैं तो यार बहुत मुश्किल है इस इंडस्ट्री में आना, सबसे पहले तुम्हें अपनी फैमिली छोड़नी पड़ेगी, तुम्हारा एक भी रिश्तेदार नहीं होना चाहिए, नहीं तो वो साथ में कहेगा कि तुझे ये करने की क्या जरूरत थी, हम पैसे दे देते, और जबकि उन्होंने कभी 10 रुपए भी नहीं खर्चे होंगे तुम्हारे वर्थ सेइंग कि पैसे नहीं निकलते जेब से, बट ऊपर बकचोदी हाँ है 50 हैं। हाँ लेकिन मतलब मेरे को फोन आते थे, मैं कह तो रही हूँ वो मुझे फोन करते थे, एक्चुअली मैं बताना नहीं चाहती, नाम नहीं लेती, मैं तो रिलेशन सारे बेकार है, मैं अगले इंटरव्यू में अपने आप को पास्ट लाइफ के बारे में बताऊंगी, बहुत बुरा हाँ पास्ट है मेरा, मैं बताऊंगी लेकिन कुछ अच्छा प्रोजेक्ट करने के बाद।
तो ऐसा है कि मुझे फोन करके मेरे ही मामा बोलते, ऐसी क्या जरूरत पड़ गई थी, मैं दे देता पैसे, तुझे ये क्या करने की जरूरत थी। जिस मामा ने कभी मेरे मरे में भी नहीं पूछा, मतलब मैं अगर मर भी रही हूँ तब भी नहीं पूछा, तो मैं उससे क्या ही उम्मीद रख लूँ कि तुम मुझे 10 रुपए दे दोगे। कभी 10 रुपए नहीं दिए कभी, तो कहाँ से उम्मीद कर लूँ कि तुम मुझे इतने पैसे दे देते कि मुझे जिस टाइम जरूरत थी। तो मैं कहूंगी कि अपनी फैमिली को, दोस्तों को छोड़ के आओ जो तुम्हारा साथ देंगे। अगर तुम ये काम करना चाहते हो तो कुछ लोगों को अपने साथ रखो जो तुम्हारे लिए लॉयल रहें या तुम्हारी पॉजिटिविटी में रहें तुम्हारे साथ, कि हाँ तुम जो कर रही हो अच्छा कर रही हो, कोई बात नहीं। क्योंकि ये सिर्फ एक्ट है, लोगों को करेक्ट. लगता है कि ये है, पर ऐसा कुछ नहीं है। मैं सच में ये मानती हूँ, मैं भी गलत मानती थी इंडस्ट्री को, मैं भी बहुत गलत मानती थी। पर यार जब नॉर्मल सी बात है, इतनी बड़ी बड़ी एक्ट्रेसेस कर सकती है, अभी दीपिका, ऐश्वर्या, सब कर सकती है, तो हम क्यों नहीं। हाँ, हम करेक्ट यही बात है ना, वो बड़े लेवल का कर रही है, हम छोटे लेवल का कर रहे हैं, करेक्ट दैट्स इट, यस. बस यही तो बात है। तो आपकी इंस्टा हैंडल क्या है, लोगों को बताइए ताकि लोग आपको फॉलो कर सकें. अरे हाँ, मुझे फॉलो जरूर कीजिएगा, शाइना खत्री 3047 मेरी इंस्टा आईडी है। आप SHYNA है, शाइना भी कुछ लोग गलत लिखते हैं, हाँ, मैं क्या क्योंकि लोग करूं। आई लिख लेते हैं, कई बार ये हाँ, पंगा होता है. SHYNA है। हाँ, ठीक खत्री तो है. आपको पता ही होगा बाकी क्या होते हैं, हाँ, और बस। तो दोस्तों, ये थी शाइना खत्री. इन्हें प्लीज फॉलो करिएगा इंस्टाग्राम में, और आपके अंदर इनके लिए जो भी क्वेश्चंस हैं, जो भी सवाल हैं, आप हमें प्लीज लिख भेजिए, ताकि हम इन्हें फिर से नेक्स्ट एपिसोड में लेकर आए, इनकी पास्ट जर्नी को आपके साथ रिवील कर सके और बहुत सारी बातें कर सके. थैंक सो थैंक यू शाइना फॉर यू ज्वाइनिंग सो अस, मच, थैंक यू सो मच, मोस्ट वेलकम, एंड थैंक थैंक यू गाइज, यू गाइस, बाय. और बाय बाय। अगर चाहते हैं ना पास्ट सुनना, तो थोड़ी हिम्मत रखनी पड़ेगी, क्योंकि सबका पास्ट बहुत अलग होता है। हाँ, शायद तुम्हें, मतलब कुछ कुछ मुझे मिलते हैं प्रोड्यूसर वगैरह जो मेरी आंखें पढ़ पाते हैं, कहते हैं कि राइटर्स पढ़ पाते हैं ज्यादातर, वैसे बोलते थे कि आपकी आंखों में कुछ है, मतलब आपकी आंखें आपका दर्द बयां कर रही है। और जो मेरा दर्द है मैं आपके साथ भी शेयर करना चाहती हूँ, बट बहुत अच्छे प्रोजेक्ट के बाद, ताकि मैं हक से कह सकूँ कि ये मेरा पास था और मैं यहाँ आ चुकी हूँ, करेक्ट है करेक्ट. ना। सो दोस्तों, शाइना के बारे में जानने के लिए हमें लिख भेजिए, एंड लव यू ऑल, थैंक यू बाय. सो यस, मच. थैंक यू.